अगर आपने डिवोर्स फाइल किया है तो आप एज ए विटनेस विटनेस बॉक्स में खड़े होते हो, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स लिस्ट ऑफ विटनेस में आते हैं, कुछ पड़ोसी हो सकते हैं, जो आज के समय में बहुत मुश्किल है किसी ऐसे विटनेस को लाना जो आपके परिवार से संबंधित ना हो। तो दोस्तों, विटनेस की लिस्ट और उसके साथ गवाह खड़े होते हैं। जब आप खड़े होते हो तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन को फेस करना, उसका सामना करना, ये एक कला है। लोग कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन इज एन आर्ट, मैं कहता हूं क्रॉस एग्जामिनेशन को फेस करना, उसका सामना करना एक कला है। तो डिवोर्स का केस जिसने भी फाइल किया है वो क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना करे। अब क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना करने का मतलब ये नहीं है कि आप चौड़े में खड़े हो गए कोर्ट में, मुझसे पूछो मैं कोई भी जवाब दे दूंगा। आपको अपनी पिटीशन पढ़नी होगी, आपने जो गवाही में एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट दिया है उनको पढ़ो, आप उनको समझो, उसमें जो डेट है, उसमें जो इंसिडेंट्स हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उनको रीड आउट करो, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न इधर उधर की बातें पूछी जाती हैं, आप अपने तथ्यों को सामने लाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स को सामने लाओ, अपनी बातों को आप रखो, उनके जवाब को शॉर्ट में दे दो। आप अपने ट्रैक से, अपने लाइन से हटना नहीं है, मैं बता दूं, यही है जीत की सबसे पहली शर्त।